नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं और खबर कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ी हुई। रेसलिंग के बादशाह WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली, जिनका असली नाम है दलीप सिंह राणा, उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा। दिल्ली में एमओएस मंत्री जो कि केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अन्य दिग्गज भाजपा के नेताओं की उपस्थिति में आज दलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली ने आज भाजपा का दामन थामा। जो जबकि रिंग में जाते ही जब मुकाबला होता था तो लोगों को तोड़ते थे, अब देखना ये है कि स्पोर्ट्स से लेकर यानी कि एक अब जो सियासत का सफ़र है किस कदर तक उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है या किस ओर उनको लेकर जाता है। एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई, और जिस तरह से आप जानते हैं जो कि इलेक्शंस का दौर चल रहा है, जिस तरह से यूपी की बात करें तो आज पहला मतदान था और उसी के चलते अब देखें कि जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं इलेक्शंस का यानी कि बिगुल बज चुका है। अब देखना ये कब है, क्या अभी तक फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं, पर ये कहेंगे कि सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। और वहीं जब भी इलेक्शंस आती हैं, चाहे किसी भी पार्टियों की बात करें, अलग अलग पार्टियों की बात करें, उनके चहेता जो सेलिब्रिटी हैं या वो पार्टियों का दामन थाम दें या ये कहेंगे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जिस तरह से आज दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली ने भाजपा का दामन थामा है। और देखना यह है जिस तरह से पंजाब में भी अब आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे कि क्या भाजपा में अब और मजबूती आएगी। रिंग से लेकर सियासत तक का सफर अब कितना, जहां पर लोगों को तोड़ते अब जनता को किस तरह से आज सियासतदान ग्रेट खली जनता को सर्व करते हैं, और क्या आने वाले इलेक्शन में भाजपा को इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि देश का नाम रोशन करने वाले और WWE के सुपरस्टार और रिंग में उतरते ही जो कि दूसरी सामने वाले जो खिलाड़ी थे उनके छक्के कहीं ना कहीं छूट जाते थे, पसीने छूट जाते थे द ग्रेट खली को देखकर पंजाब की शान, और हर बच्चा आज नाम जानता है द ग्रेट खली, रेसलर के बादशाह, और जिन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अन्य दिग्गज नेताओं के बीच में आज भाजपा का दामन थामा है। और जब भी इलेक्शन आते हैं, हम सिर्फ भाजपा की बात नहीं करें, हर एक पार्टियों के जो या तो सेलिब्रिटी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा ही दिलचस्प रही है और देश की बल्कि विदेशों की भी नज़र रहती है जम्मू यहाँ के इलेक्शंस के ऊपर कि किस तरह का दौर चल रहा है, क्या अदल बदल हो रहा है, क्या हेर फेर हो रहा है, और किस तरह से सेलिब्रिटी जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़ी जो ये कहेंगे हस्तियाँ, वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों का दामन